फर्स्ट सेंचुरी में 100 खबरें आपने एक साथ देखी और अब वक्त हो गया बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें बिहार की सासाराम से है, जहां एक बार फिर बमबाजी हुई है। सासाराम के मोची टोला इलाके में ये बमबाजी हुई है, हालांकि किसी के हताहत होने की फिलहाल खबर नहीं है। सासाराम में पहले से ही सुरक्षा कड़ी की गई है, आरएएफ के जवानों की तैनाती सासाराम में की गई है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, देखिए यहां पर तनाव थमने का नाम नहीं ले रहा है और अब एक बार फिर बमबाजी की खबर सामने आई है। मनोज वर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, एक के बाद एक ब्लास्ट हो रहे हैं, तनाव थमने का नाम नहीं ले रहा है। जानकारी मिल रही है कि आरएएफ के जवानों को भी यहां तैनात किया गया है, पूरा मामला बताएं, इसके पीछे की क्या कोई साजिश है, कोई ज्वलनशील पदार्थ एक बार फिर ब्लास्ट हुआ है, क्या है पूरी घटना? आपको बताना चाहेंगे कि सुबह करीब 4 बजे अधिकारियों को जानकारी मिली कि सासाराम में एक इलाका है मोची चोला और सेंसिटिव इलाका है, जहां पर तमाम कंपनियों को तैनात किया गया है, जहां पर तमाम सुरक्षा बल तैनात हैं। उसके बावजूद सुबह 4 बजे कुछ असामाजिक तत्वों ने एक देसी बम जो है वो एक दीवार पर फेंका है। हालांकि इससे कोई घायल नहीं हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं माहौल बिगाड़ने की एक बार फिर से कोशिश जो है वो की जा रही है। इस वक्त जो है तमाम इलाके के जो आला अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं और रेड चल रही है कि आखिरकार ये किसने किया है, कोशिश की जा रही है उन लोगों को पकड़ने की। तो कहीं ना कहीं अधिकारियों से जो बातचीत हुई है उनका साफ तौर पर ये कहना है कि कुछ असामाजिक तत्व हैं जो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसी के चलते ये सब किया गया। हालांकि कल रात में काफी देर तक फ्लैग मार्च पूरे इलाके में चला है, जो जो सेंसिटिव इलाके हैं वहां पर रैपिड एक्शन फोर्स का और जो बिहार पुलिस है उनका फ्लैग मार्च चला है, लेकिन उसके बावजूद जो है ये वारदात को अंजाम दिया गया है। अब जो अधिकारी हैं और जो पुलिसकर्मी हैं उन अपराधियों को ढूंढने में लगे हुए हैं जिन्होंने ये बम फेंका था। मनोज, आप बने रहिए हमारे साथ, दर्शकों को तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और सासाराम से ये तस्वीरें हैं कुछ ही देर पहले की तस्वीरें, जब माहौल बिगाड़ने की यहाँ कोशिश हो रही है असामाजिक तत्वों के द्वारा। एक बम को, एक ज्वलनशील पदार्थ को एक दीवार पर फेंका गया जिससे ब्लास्ट हुआ, धमाका हुआ, आवाज आई। हालांकि इस पूरी घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है, कोई घायल भी नहीं हुआ है, लेकिन ये सीधे तौर पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश है। तस्वीरें कुछ ही देर पहले की है, सासाराम की तस्वीरें। सासाराम में ही एक कल भी ऐसी ही घटना सामने आई थी, नालंदा, सासाराम, बिहार शरीफ, यहां से लगातार आगजनी और पत्थरबाजी की घटनाओं के बाद अब असामाजिक तत्व माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात है। क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ, कि मैंने नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।